स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 साइंस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम फिजिक्स का एक चैप्टर उठाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हम सबसे पहले देखते हैं कि करंट, क्योंकि जैसे कि हम सबको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी क्या, यानी कि बिजली जो हमारे घरों में आ रही है, हमारे ऑफिस में आ रही है, स्कूल में आ रही है, कॉलेजों में आ रही है, तो उसी तरह से हम इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ना शुरू करेंगे। अब इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा चार्ज के बारे में। अब हमें ये पता है हमारे आसपास में काफी सारी चीजें हैं जिसको हम मैटर कहते हैं। जैसे कि आप क्लास 9th में पहले पढ़ भी चुके हैं कि मैटर, मैटर क्या है? कोई भी एक ऐसी चीज जिसके अंदर कुछ मास हो, जो कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता हो, कुछ स्पेस लेता हो, वो मेरे पास क्या है? मैटर। तो कोई भी चीज जो कुछ जगह लेती हो, जिसका कुछ मास हो, कुछ वॉल्यूम हो, उसे हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। हमें ये भी पता होना चाहिए ईच मैटर हैज चार्ज पार्टिकल्स। दुनिया का कोई भी मैटर हो, उसके अंदर चार्ज पार्टिकल्स तो होंगे ही होंगे, ठीक है? अब ये चार्ज पार्टिकल्स हैं, ये मुझे पता चल गया कि किसी न किसी मैटर में होंगे। अब मैटर में चार्ज होंगे तो चार्ज हमारे पास तीन तरह के पार्टिकल्स होते हैं। एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज, एक होता है जीरो चार्ज। वो मैटर के पार्टिकल्स जो पॉजिटिव चार्ज को लेकर जाते हैं, वो मैटर के पार्टिकल्स जो पॉजिटिव चार्ज को कैरी करते हैं, उसे हम प्रोटॉन्स कहते हैं। यानी कि प्रोटॉन्स कैरी पॉजिटिव चार्ज। सिमिलरली मैटर के वो पार्टिकल्स जो इलेक्ट्रॉन्स को, या कि मैं ये कहूंगा नेगेटिव चार्ज को लेकर जाते हैं, उसे हम इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स कैरी नेगेटिव चार्ज, ठीक है स्टूडेंट्स। अब बच गया हमारे पास थर्ड टाइप, जो आपने 9th में भी पढ़ा था, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन कैरी नो चार्ज, और आप ये कह सकते हैं कि न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज ही नहीं होता, जीरो चार्ज, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से हमने पहले तो चार्ज की कंस्टिट्यूएंसी देख ली कि चार्ज हमारे पास कितने टाइप्स के होते हैं। इसी के बिहाफ पे हमारे पास दो और टर्म्स आती हैं जो इलेक्ट्रिसिटी में बहुत कॉमन है। एक है कंडक्टर और एक है इंसुलेटर। पहले अभी कुछ स्टूडेंट्स ये भी कहेंगे कि सेमीकंडक्टर भी होता है, वो हम बाद में देखेंगे। जनरली आप छोटी क्लासेस में ये पढ़ते हैं, कंडक्टर आर द सब्सटेंसेस विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर सब्सटेंसेस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। वेयर एज इंसुलेटर
insulators are those substances which do not conduct electricity, don't conduct electricity. लेकिन ऐसा क्या होता है, ये तो हमने थियोरिकल पढ़ लिया कि कंडक्टर्स जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंटेन करते हैं और इंसुलेटर जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। लेकिन अगर अब देखा जाए कि ऐसा क्यों होता है तो उसका रीजन समझना। एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी यानी कि करंट हमेशा तभी फ्लो करता है जब मूवेबल चार्ज होते हैं। करंट इज प्रोड्यूस्ड। अब करंट क्या है पहले तो वो देखते हैं। करंट इज डिफाइंड एज एक ऐसी इलेक्ट्रिसिटी की टर्मिनोलॉजी है जिसके बिहाफ पर पूरी की पूरी इलेक्ट्रिसिटी को डील किया जा सकता है। इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स की एक ब्रांच है, ठीक है। अब मेरी बात को सुनना। करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। पहली बात तो यहां पे देखना फ्लो। इस फ्लो का मतलब क्या हुआ कि जो मूव कर सकता है, मूवेबल। चार्ज पार्टिकल्स कहा है ना, मैंने पॉजिटिव चार्ज कहा ना मैंने नेगेटिव कहा। तो यहां पे पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन मैंने यहां रेट कहा। अब उस रेट का मतलब समझते हैं स्टूडेंट्स। पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि करंट को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो आई से रिप्रेजेंट करते हैं। वो स्मॉल आई भी लगा सकते हो, कैपिटल आई भी लगा सकते हो। तो अकॉर्डिंग टू दैट करंट यानी कि आई का फॉर्मूला क्या बना। फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, चार्ज, चार्ज को हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से। क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है चार्ज को, वो भी स्मॉल या कैपिटल कुछ भी लगा सकते हो। एक चीज याद रखना स्टूडेंट्स, फिजिक्स में जब भी रेट आता है, जब भी रेट आता है तो उसका मतलब डिवीजन करना होता है। इन ए पर्टिकुलर यूनिट ऑफ टाइम करना होता है मुझे करंट के लिए, तो क्यू बाई में टाइम लगा देंगे। तो Q का मतलब हो गया चार्ज और T का मतलब हो गया टाइम। क्लियर? यहां तक आपको एक चीज क्लियर हो गया। करंट की जो SI यूनिट है वो होती है एम्पियर। एक फिजिक्स के नाम पे रखी है ये, जिसने करंट की डिस्कवरी करी थी। एंड रिप्रेजेंटेड एज कैपिटल ए, नॉट स्मॉल ए, ठीक है। ऐसे ही जो चार्ज यानी कि जो कूलम यानी कि SI यूनिट ऑफ चार्ज वो क्या होता है, कूलम होती है, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल सी से। स्मॉल सी नहीं लगाएंगे हम, क्योंकि अगर मैं स्मॉल सी लगाता, ये कैपिटल सी होना चाहिए स्टूडेंट्स। अगर मैं स्मॉल सी लगाता तो स्मॉल सी का मतलब होता है स्पीड ऑफ लाइट, कैपिटल सी होता है कूलम के लिए हमारे पास। क्लियर? अब आगे देखेंगे हम। एक हमारे पास और चीज आती है, टाइम। टाइम का तो आप सबको पता होगा, आपने नाइन्थ में भी पढ़ा है कि सेकंड से रिप्रेजेंट किया जाता है। टाइम को तो किससे रिप्रेजेंट किया जाता है स्टूडेंट्स, सेकंड से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो मुझे एक चीज यहां से क्लियर हो गई, आई यानी कि करंट, चार्ज बाय में टाइम था,
चार्ज की ऐसा यूनिट क्या थी? कूलम, यानी कि कूलम। टाइम की क्या थी? सेकेंड। और मैंने करंट की क्या बताई? एम्पियर। तो यहां से आप ये कह सकते हो 1 एम्पियर इज इक्वल्स टू 1 कूलम पर 1 सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो करेगा उसे हम करंट कहते हैं। 1 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो करेगा उसे हम करंट कहते हैं। बस मुझे यहां से एक चीज क्लियर हो गई, करंट बनेगा तभी जब मूवेबल पार्टिकल्स होंगे, मूवेबल चार्ज पार्टिकल्स होंगे तभी मेरे पास करंट बनेगा। करंट का मतलब ही क्या है? बहता हुआ, फ्लो करता हुआ। तो चलना तो जरूरी है ना, बिना चले तो उसका काम बनेगा ही नहीं स्टूडेंट्स। तो ये तो हमने ये देख लिया कि करंट कैसे बना, ठीक है। अब आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, ये हमने कुछ बेसिक टाइप्स देखी, मतलब बेसिक टर्मिनोलॉजी देखी जो कि हमारे पास अवेलेबल रहती है इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। अब करंट जो है आपके पास उसकी डायरेक्शन क्या, कंसेप्ट देखिए। दो इंपॉर्टेंट रूल याद रखना अभी के लिए, बाद में इसकी एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। इफ करंट फ्लोज बाय पॉजिटिव पार्टिकल्स देन डायरेक्शन ऑफ करंट इज द सेम एज द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। मैंने क्या कहा स्टूडेंट्स? मैंने ये कहा अगर पॉजिटिव चार्ज यानी कि प्रोटॉन्स की वजह से करंट बन रहा है तो करंट की डायरेक्शन वही होगी जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स जा रहे हैं। डायरेक्शन देखना बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स हमारे लिए, ठीक है। लेकिन इफ करंट फ्लोज बाय नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स देन डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी अपोजिट। अब यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट निकल कर आता है स्टूडेंट्स। वो कहता है अगर चार्ज पार्टिकल नेगेटिव है और वो चल रहे हैं तो उसकी वजह से करंट तो बनेगा। हाँ बने, तो करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? अपोजिट। तो एक बात बताओ, नेगेटिव का अपोजिट क्या हो गया? वो पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स कि जो करंट है वो हमेशा ही पॉजिटिव डायरेक्शन में चलता है। करंट हमेशा ही किस डायरेक्शन में चलता है? पॉजिटिव डायरेक्शन में चलता है। चार्ज पार्टिकल चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, यहां से एक कंसेप्ट निकल कर आ गया मेरे पास। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? ठीक है, फिर अब आगे चलते हैं। जब हम सर्किट डायग्राम को देखेंगे तो कन्वेंशनल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी देखेंगे, वहां डायरेक्शन का कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर करेंगे। आगे जाने से पहले एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट ये कहता है कि पोटेंशियल डिफरेंस is directly
proportional to the flow of current. टर्न बाय टर्न देखते हैं स्टूडेंट्स की इनका मतलब क्या है। पहली बात तो आता है, एक नया वर्ड आया यहां पे मेरे पास, पोटेंशियल डिफरेंस, जिसका मतलब अभी तक हमने नहीं देखा। तो जनरली पोटेंशियल डिफरेंस को मैं रिप्रेजेंट करता हूं वी से, जिसको समटाइम्स हम वोल्टेज भी कह देते हैं, ठीक है। कि कितनी पावर आ रही है, कहने का मतलब, नो पावर कहना ठीक नहीं है, कितनी क्षमता के साथ हमारे पास वैल्यू आ रही है किसी भी बिजली के आने के लिए, ठीक है। अब वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस मान लो ये एक पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी। यहां पे मैंने कहा ये एक चार्ज पार्टिकल रखा है, अगर इस चार्ज पार्टिकल को उठाकर ए से बी तक पहुंचाना है, इस एक चार्ज पार्टिकल को उठाकर ए से बी तक पहुंचाना है, तो आपको ये तो पता है फिजिक्स के अकॉर्डिंग जो आपने नाइन्थ में देखा था, कि कुछ काम तो मुझे करना पड़ेगा। बिना काम करवाए, बिना किसी के फोर्स अप्लाई करे, बिना कोई वर्क डन, तो ये मूव करेगा नहीं, क्योंकि आपको पता है वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस तो मूव कर रहा है, डिस्टेंस तो चल रहा है, चलने के लिए कुछ फोर्स भी लगाना पड़ेगा, चाहे वो कैसा भी फोर्स हो, तो वर्णन तो कराना पड़ेगा। तो वो ये कहता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या है, कुछ काम करवाना पड़ता है इस पॉजिटिव चार्ज को यहां से यहां ले जाने में। तो कहता है पोटेंशियल डिफरेंस यही है कि वर्क डन बाय एनी चार्ज पार्टिकल, कि मैं कितना काम करवाऊं किस एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अपनी जगह से दूसरी जगह पे उठाने के लिए। तो वो रेशो आ गया ना, उस रेशो को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। उस रेशो को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। डायरेक्टली तो मुझे पता चल गया पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि V, ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, अगर एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी, एक चीज कम होगी तो दूसरी भी कम होगी। किसके? करंट के। करंट आपने सीख ही लिया था, आई के इक्वल होता है। तो ये था ओम्स लॉ, प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाने के लिए और इक्वल टू का साइन लगाने के लिए हमेशा एक कांस्टेंट फैक्टर लगाया जाता है, जो है आर। यहां पे जो यहां पर क्या है, आर, जिसको कहते हैं रेजिस्टेंस। इसका मतलब ये रेजिस्टेंस तो क्या है मेरे पास, कांस्टेंट है। क्या है ये? कांस्टेंट। हाँ, ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब किस एक डिवाइस के लिए अलग होगा, दूसरी डिवाइस के लिए अलग, लेकिन वो डिवाइस में तो वो हमेशा सेम रहेगा, वो उस डिवाइस के अंदर चेंज नहीं होने वाला, इसलिए हमने इसको कांस्टेंट कहा, जब तक मैं इस रेजिस्टेंस को बदलना हूं, ठीक है। V इक्वल्स टू IR। सर अब रेजिस्टेंस क्या? रेजिस्टेंस एक ऐसा प्रोसेस है जो कंडक्टर में से चार्ज पार्टिकल्स को आगे बढ़ने से रोकता है, यानी कि करंट को फ्लो करने से रोकेगा, ठीक है। अब करंट को फ्लो करने से रोकेगा सर, बेनिफिशियल कैसे हुआ फिर? हमें तो करंट चाहिए। हाँ, इसीलिए जनरली हम उन डिवाइसेस को प्रेफर करते हैं जिसके अंदर चार्ज पार्टिकल ज्यादा फ्लो करें और रेजिस्टेंस कम हो। क्लियर स्टूडेंट्स? हम रेजिस्टेंस के बारे में और ज्यादा हमारी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? थैंक यू।